नमस्कार, आप दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। उत्तरी तटीय तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान मिचांग से भारी तबाही, चेन्नई और आसपास के जिलों में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई। जलभराव वाले इलाकों में फंसे लोगों को बचाने के लिए नौकाओं और ट्रैक्टर का इस्तेमाल, तमिलनाडु में भी तूफान का व्यापक असर। एनडीआरएफ आईजी नरेंद्र सिंह बुंदेला ने चक्रवात मिचांग पर कहा, एनडीआरएफ की 22 टीमें 3 राज्यों में मौजूद हैं। चेन्नई में जलभराव की वजह से अतिरिक्त टीमों को तैनात किया गया है, निचले इलाकों से लोगों को निकाला जा चुका है। तूफान मिचांग के प्रभाव से पूर्वी गोदावरी जिले में कई नदियां और जलाशय उफान पर। पुलिस अधीक्षक पी जगदीश ने कहा कि राहत प्रयासों के लिए जिले भर में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। अनकापल्ली जिले के एसपी केवी मुरली कृष्ण ने अपने अधीनस्थ को उखड़े हुए पेड़ों को हटाने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया में बढ़ती जा रही है दरार। 6 दिसंबर को होने वाली बैठक टली, ममता नीतीश समेत कई नेताओं ने शामिल होने से किया इनकार। जयपुर में अज्ञात हमलावरों ने राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी पर गोलियां चलाई। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने कहा, हमले के बाद गोगामेड़ी की घटनास्थल पर मौत हो गई। करणी सेना अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या में नया मोड़, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित ने ली हत्या की जिम्मेदारी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी होंगे तेलंगाना के मुख्यमंत्री। रेड्डी 7 दिसंबर को लेंगे पद एवं गोपनीयता की शपथ। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सीएम चेहरों को लेकर भाजपा में मंथन तेज। केंद्रीय नेताओं से मिले तीनों ही राज्यों के भाजपा नेता। अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम पद को लेकर कहा, मैं पहले भी सीएम पद का दावेदार नहीं था, आज भी नहीं हूं और बाद में भी नहीं रहूंगा। भाजपा कार्यकर्ता किसी पद विशेष के लिए नहीं बल्कि बड़े मिशन के लिए काम करते हैं। उस मिशन के माध्यम से हमें जो भी काम मिलता है हम करते हैं। कोलकाता लगातार तीसरे साल भारत में सबसे सुरक्षित शहर बनकर उभरा है। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट में कहा, महानगरों में प्रति लाख आबादी पर दर्ज संज्ञेय अपराध के सबसे कम मामले कोलकाता में आए। मध्य प्रदेश में करारी हार के बाद ईवीएम पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, बोले कमलनाथ, एग्जिट पोल तो सिर्फ माहौल बनाने के लिए किया गया, परिणाम पहले से पता था। कांग्रेस की समीक्षा बैठक में भी उठा ईवीएम का मुद्दा। राजस्थान विधानसभा चुनाव में मिली हार पर मंथन के बाद कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, कुछ कमियां रही हैं, इसे स्वीकार करना होगा। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी को अभी से जुटना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आलोचकों पर निशाना साधते हुए कहा, वे अपने अहंकार, झूठ, निराशावाद और अज्ञानता की खुशफहमी में रह सकते हैं, लोगों को उनके विभाजनकारी एजेंडे से सावधान रहना चाहिए। शिवसेना यूबीटी के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, हम सब इंडिया गठबंधन में एक साथ इसलिए आए हैं क्योंकि हम अपनी प्रतिबद्धता जानते हैं और अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। इस देश में एक मजबूत विपक्ष, एक बेहतर विकल्प देश के सामने हमें रखना चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों को भाजपा के लिए चिंता का विषय करार दिया है। उन्होंने दावा किया कि इन नतीजों से विपक्ष का गठबंधन इंडिया और मजबूत होगा। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वित्त वर्ष 2026-27 में देश की GDP दर 7% तक पहुंचने का अनुमान। शेयर बाजार में लगातार 6ठे कारोबारी सत्र में तेजी, बीएसई सेंसेक्स 431 अंक उछलकर 69,296 अंक के रिकॉर्ड स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी भी 168.50 अंक की तेजी के साथ अब तक के उच्चतम स्तर 20,855 अंक पर पहुंचा। शेयर बाजार में तेजी के चलते बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण बढ़ा। मंगलवार को कंपनियों का बाजार पूंजीकरण बढ़कर 350 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। शाहरुख खान अभिनीत और राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित मूवी डंकी का ट्रेलर हुआ रिलीज। लंदन जाने का सपना, बेहतर अवसर की तलाश और परिवार को बेहतर जीवन देने की नजर आई झलक। यह मूवी 21 दिसंबर को रिलीज होगी। एक्टर दिनेश फडणवीस का निधन, वे पॉपुलर टीवी शो CID में निभाते थे फेडरिक्स का किरदार। 4 दिसंबर को मुंबई में ली उन्होंने अंतिम सांस। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।